मदेरणा परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए दिव्या मदेरणा पहली बार विधायक बनने के साथ ही प्रदेश में चर्चित हो गई। खून में सियासत है तो वो दिखाई भी देती है, और जैसे मदेरणा परिवार बेबाकी के लिए जाना जाता है, दिव्या मदेरणा भी उसी बेबाकी के साथ अपनी बात कहती है। फिर बात चाहे 25 सितंबर को बुलाई गई बैठक की हो, जिसमें विधायक नहीं पहुंचे थे और धारीवाल के आवास पर पहुंच गए थे, तब भी दिव्या मदेरणा ने इसका विरोध किया था। और अब एक बार फिर से दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल का जमकर विरोध किया और कहा कि सीधे सीधे इस युवा विधायक ने कांग्रेस सरकार में नंबर दो के नेता और बेहद अनुभवी शांति धारीवाल को आईना दिखा दिया। दरअसल मामला था किरोड़ी लाल मीणा के प्रदर्शन और पुलिस के साथ हुई मारपीट से जुड़ा। वीरांगनाओं के मामले में किरोड़ी लाल के प्रदर्शन पर विधानसभा में जब शांति धारीवाल ने जवाब देते हुए किरोड़ी लाल मीणा की तुलना आतंकी से की, तो दिव्या मदेरणा ने खुलकर विरोध किया और कहा कि सच है कि बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा अलग अलग है, दोनों पार्टियों की रीति नीति में बहुत अंतर है, हमारे बीच में मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। दिव्या मदेरणा आगे कहती है कि मैं शांति धारीवाल के व्यक्तित्व की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। सार्वजनिक जीवन में हमारे दल राजनीतिक विचारधारा अलग है, मनभेद और मतभेद दोनों हो सकते हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को ऐसे आतंकी के समान उपाधि देना लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए निहायत ही तुच्छ उदाहरण पेश किया है। और इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि दिव्या मदेरणा राहुल गांधी की गुड बुक की नेता है। भारत जोड़ो यात्रा में दिव्या मदेरणा राहुल गांधी के साथ कश्मीर तक चली थी और राहुल गांधी को ही आलाकमान मानती है, जबकि शांति धारीवाल अशोक गहलोत को आलाकमान मानते हैं और उनके सबसे विश्वास पात्रों में से एक है। द पीके टाइम्स की है खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और राजस्थान से जुड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए द पीके टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।